कलकत्ता हाई कोर्ट के ओबीसी वाले फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति जताते हुए फैसला न मानने की बात कही है। साथ ही फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे डाली। इसका छत्तीसगढ़ के बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने विरोध किया है। शुक्रवार की शाम सुपेला चौक में जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा अध्यक्ष महेश वर्मा के नेतृत्व में ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाते हुए उनका पुतला फूंका और उन पर संवैधानिक कार्रवाई की मांग की। बीजेपी भिलाई जिला अध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण के साथ ममता बनर्जी ने छेड़छाड़ की है। वहीं वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट बांट दिए गए, ये संविधान के खिलाफ है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी ने हठ धर्मिता दिखाते हुए मुस्लिमों को ओबीसी में जोड़ दिया। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा इसकी निंदा करता है। देखो, इस देश में जिस प्रकार से कानून को और कोर्ट को नहीं मानने की बात करने वाली ममता बनर्जी के विरुद्ध आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पुतला दहन ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में हम सब ने किया, ये दर्शाता है कि कांग्रेस और टीएमसी इस देश में फूट डालने के काम कर रही है। तुष्टिकरण की नीति के तहत कांग्रेस के लोग ओबीसी का आरक्षण छीनने की बात करने वाले कांग्रेस और टीएमसी इस देश में तोड़ फोड़ की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की जातिवाद की राजनीति करने की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, इसके तहत हम आज पुतला दहन किए हैं।